दुनियाना दरेक धर्मथी ऊपर छे माणसाईनो धर्म, जे भूख्याने भोजन आपे छे, बीमारनी सारवार करे छे अने सुख दुखमां साथ आपे छे। परंतु आजे माणसाईना जुस्साने मानवताना दुश्मनो नेस्त नाबूद करवा लाग्या छे। ते खून करी रह्या छे, हिंसा करी रह्या छे, दुनियाने कट्टर पंथनी खीणमां धकेली रह्या छे। क्यारेक नफरतनी भाषा बोलीने तो क्यारेक बॉम्ब गोळा वरसावीने। परंतु सवाल ए छे के दुनिया ने पतनना मार्गे धकेलनारा आ लोको पासे आखरे पैसा क्यांथी आवे छे? एडिटर्स पॉइंट मां जुओ आतंकवादियोना फंडिंग नू आखरे सिक्रेट शुं छे। कश्मीर में आतंकवाद, सीरिया में आतंकवाद, अफ्रीका में आतंकवाद, ब्रिटेन में आतंकवाद, लेबेनॉन में आतंकवाद, दुनियाभर में आतंकी कहर मचावी रहा छे। हाईटेक हथियारों थी सज्ज थईने कट्टर इस्लामिक बारूद ने मन में भरीने खून खराबा करवा माटे तत्पर छे। एक नासूर नी जेम बनी चुकेला इस्लामिक आतंकवाद दुनिया नी सुख शांति माटे सौथी मोटो खतरो छे। झेरीला उन्माद थी भरेला आ दृश्य आव्या पछी एक सवाल मन में चौक्स आवे छे। क्यारे विचार्यू छे आतंकियों ने पैसा क्यांथी मळे छे? क्यारे विचार्यू छे आतंकियों ने हथियार क्यांथी मळे छे? क्यारे विचार्यू छे आतंकियों ने पैसा आपनारो कोण छे? सीधी अने स्पष्ट बात तो ए छे के जो आतंकवादियोंना संगठनों ने पैसा नहीं मळे तो आतंकना इरादा भले ते दिल अने दिमाग मां लईने फरता रहे, पैसा विना ते कंई पण करी शकशे नहीं। एटले आतंकी इरादानी लाइफलाइन तेमने मळनारा पैसा छे अने आ पैसा ते खोराक पाणीनी जेम काम करे छे, जेनाथी ते आतंकवादी बनवा तैयार थई जाय छे। हा, एक बीजी वस्तु तेमां जोडाई जाय छे, आतंकियोंनी खेप दुनियाभरमां तैयार करवामां आतंकना कारकुनोनું તે ઝેરીલું ભાષણ મોટો રોલ ભજવે છે, જે પોતાને આતંકીઓના મસીહા ગણાવીને ઝેર ઓકવામાં વ્યસ્ત રહે છે। I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abuse of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer। नफरतना आ पात्र पण ते पैसा पर पोताना आतंकी इरादाने हवा आपी रह्या छे जे तेमने मळे छे। परंतु सवाल ए छे के ते पैसा क्यांथी आवे छे? तेनो जवाब छे ते पैसा जकातमांथी मळे छे, ते पैसा चेरिटीमांथी मळे छे, ते पैसा सामान्य मुस्लिमोथी मळे छे। अने सौथी हैरानी वात तो ए छे के ते सामान्य मुस्लिमने खबर ज होती नथी के तेना पैसाथी चेरिटीना नाम पर लोही वहेवडावामां आवे छे, गोळीઓ વરસાવવામાં આવે છે, બોમ્બ ફોડવામાં આવે છે, ઘર નષ્ટ કરવામાં આવે છે, નવ યુવાનોના મનમાં આતંકના બીજ વાવવામાં આવે છે। જો કે આ એક સિસ્ટમ બની ચૂકી છે જેમાં સામાન્ય મુસ્લિમ પાસેથી જકાતના નામે પૈસા લેવામાં આવે છે, જેને તે ખુશી ખુશી બીજા મુસ્લિમ ભાઈઓની મદદ માટે આપે છે। પરંતુ આ પૈસા તે કટ્ટરપંથીઓના હાથમાં પહોંચે છે જેનો ચેરિટી સમાજ સેવા દુઃખ દર્દ સાથે કોઈ સંબંધ નથી। इन चरमपंथियों की ऑक्सीजन इन्हीं संगठनों से प्राप्त हो रही है, इनके धन बल और इनके बाद में जो बाहुबल में परिवर्तित हो जाता है उसके लिए ये आवश्यक होगा कि इनके धन के स्रोत, इनकी फंडिंग और इनका चैनल, इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा ये दुस्साहस न करें, क्योंकि ये केवल भारत, एशिया, अफ्रीका नहीं विश्व शांति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। હવે તમને જકાત કે ચેરિટીના નામ પર મળનારા પૈસાનો આખો ખેલ બતાવીશું। જો કે ચેરિટીની રકમ બે પ્રકારે ખર્ચ કરવામાં આવે છે,
एक भाग कट्टरपंथी एजेंडा फैलावनारा संगठन सुधी पहुंचे छे अने बीजो भाग आतंकी संगठनों ने मळे छे। हकीकत में दुनिया भर में अनेक आवा नाना मोटा संगठन छे जे मुस्लिमों पासे मदद मांगे छे। तेमा सौथी मोटू संगठन छे मुस्लिम एड। आ संगठन की वेबसाइट है जेना पर कंक एवं तस्वीरों लगवा है जेने जोई ने कोईनु पण दिल द्रवी जाए। वेबसाइट पर स्पष्ट लख्यू छे कि डोनेट टू मुस्लिम एड, जेना पर मुस्लिम देशों पीड़ितों की तस्वीरों लगवाने जकात एटले डोनेशन मांगवामां आवी रह्यो छे। सोमालिया इमरजन्सी, लेबनोन इमरजन्सी, यमन इमरजन्सी, गाजा इमरजन्सी जेवा अनेक पेज छे ज्यां डोनेशन मांगवामां आवे छे। जो कि आ देखाड़ो छे। गुप्तचर एजेंसियों सूत्रों जणाव्या प्रमाणे आ रीते एकठा करवामां आवेला पैसा आतंकी प्रवृत्ति अने हेट स्पीच में खर्च करवामां आवे छे। मुस्लिम एड्स ना त्रण मोटा संगठन छे जेमां मुस्लिम एड इंडिया, मुस्लिम एड स्वीडन, मुस्लिम एड यूके अने मुस्लिम एड इंटरनेशनल ना नाम थी मुख्य संगठन छे जे संपूर्ण रीते कॉर्पोरेटर नी जेम आतंक माटे फंडिंग करे छे। जेना बे मुख्य ट्रस्टी छे मिर्जा फिरोज बेग अने मोहम्मद जफर हुसैनी कुरेशी। मिर्जा फिरोज बेग ग्रीन ऑर्बिटी लिमिटेड नामनी एक कंपनी चलावे छे ज्यां मुस्लिम एड इंडिया थी जकातना पैसा जाय छे, तो मोहम्मद जफर कुरेशी जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, अलफूज ट्रस्ट, अल खेर फाउंडेशन जेनी एक इकरार टीवी ना नाम थी कट्टरपंथी तस्वीरों नी चैनल पण छे। मोहम्मद जफर कुरेशी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल नो डायरेक्टर पण छे। आ ते संस्था छे जेमा जाकिर नाइक डायरेक्टर छे। जाकिर नाइक आ संस्थानी यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी चलावे छे जेना द्वारा पीस टीवी अने पीस टीवी उर्दू नु टेलिकास्ट थाय छे। सौथी महत्वनी बात तो ए छे कि आ बधी कंपनीओ अने एनजीओ नो बिजनेस एड्रेस यूके मां एक ज जग्या नु छे, તે છે 33 ફોરેસ્ટ રોડ, બર્મિંગહામ, યુનાઇટેડ કિંગડમ। जाकिर नायक के पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है। आप देखिए जब कश्मीर का इशू उठाया गया था सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस में, तो मलेशिया भी इनके साथ था और जाकिर नायक जो है वो अभी इस टाइम पे मलेशिया में बैठा हुआ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा एक्शन लिया और वहां पे जो महातिर मोहम्मद की गवर्नमेंट है उसको गिराया। उसके साथ जो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फेवरेबली इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ। लेकिन कुछ होता है कि जैसे इंटरनेशनली भी देखिए कि पीछे जैसे आपका कनाडा सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान को, उसको लाइन पे लेके आया। मैं देखता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े एक्शन लिए हैं इसके ऊपर इनको डील करने के लिए। બધી સંસ્થાઓનું સરનામું એક જ છે પરંતુ નામ અલગ અલગ છે અને જકાતના પૈસા અનેક એનજીઓ અને બીજી સંસ્થાઓમાં થઈને કોર્પોરેટ સ્ટાઇલમાં કંપનીઓમાં પહોંચી જાય છે અને ત્યાંથી બીજા દેશોમાં મોકલવામાં આવે છે। તે પૈસાથી આતંકવાદી જૂથોને ફંડિંગ થાય છે જેના દ્રશ્યો માનવતાની હત્યાના રૂપમાં સામે આવે છે। શું દિલ્હીથી બેંગલુરુ અને સ્વીડનથી નોર્વે સુધીનું હિંસાનું મોડેલ એક જ છે? કોણ છે દુશ્મનો જે ધર્માંધ બનીને રસ્તા પર કોહરામ મચાવી રહ્યા છે? તોડફોડ અને હિંસા આચરતા આ હેવાનો કોરોના કાળમાં પણ કેમ સક્રિય છે? લોકોના જાનમાલના દુશ્મનો કોણ છે અને કેમ મોતની હોળી રમી રહ્યા છે? જુઓ ખાસ અહેવાલ। પહેલા સ્વીડન થયું સ્વાહા, હવે નોર્વેમાં હાહાકાર। આગના તાંડવમાં ડૂબ્યું શહેર, પોલીસ જનતા પર તૂટ્યો કહેર। હિંસાની આગમાં દાજ્યો દેશ, નાગરિકો ભાગવા લાગ્યા વિદેશ। સ્વાહા થતું આ શહેર નોર્વેનું છે। જોતજોતામાં બિલ્ડિંગો, બસ, દુકાનો, મોલ બધું સળગવા લાગ્યું। ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયો। જે જ્યાં હતા ત્યાંથી ભાગવા લાગ્યા। તે નોર્વે જે સ્વીડનનું પાડોશી છે, જ્યાં ધર્મના નામ પર સ્વીડન સ્વાહા થયું, હવે તેની આગે નોર્વેને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધું છે। હિંસા એવી ભડકી કે શહેર આખું ધુમાડા અને આગમાં ફેરવાઈ ગયું।
राजधानी ओस्लो में इस्लामी विरोधी और इस्लाम समर्थकों वच्चे हिंसक प्रदर्शन थया। इस्लाम विरोधीओए इस्लाम ना पवित्र पुस्तक कुरान ना पाना फाड़ी नाख्या, जेना पछी विरोध प्रदर्शन आक्रमक बनी गयु। तेना पछी इस्लाम विरोधीओए पुलिस ना बेरिकेड ने तोड़ी नाख्या अने इस्लाम समर्थकों सामे घर्षण में उतरिया, जेना पछी बन्ने वच्चे मारपीट थती रही अने शहर आग में स्वाह थतु रह्यु। पुलिसे भारे मथामण पछी हुमलाखोरो पर काबू मेळव्यो। जोके स्वीडन पछी नोर्वे में जे प्रमाणे हिंसा थई ते दिल्ली अने काश्मीर में जे प्रमाणे हिंसा थती हती तेनी याद अपावी रही छे। आ बन्ने घटना परथी लागे छे के दिल्ली थी नोर्वे सुधी एक ज मॉडल नो उपयोग थयो छे।